हेलो एवरीवन, आई विल बी द टीचर फॉर दिस क्वेश्चन सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय करेक्शन मेड विद अ स्विचेबल लेंस फॉर हाइपर मेट्रोपिक आई तो इस क्वेश्चन में हमें आई का एक डिफेक्ट गिवेन है और उसको कैसे करेक्ट करना है उस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम हमें बताना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रे डायग्राम क्रिएट करते हैं सो दिस इज द रे डायग्राम अब देखते हैं हमें गिवेन क्या है तो हमें गिवेन है डिफेक्ट ऑफ विजन ठीक है और इस डिफेक्ट का नाम क्या है हाइपर मेट्रोपिया चलिए समझते हैं कैसे करेक्ट करेंगे इसको और क्या प्रोसीजर है इन दिस डिफेक्ट दिस डिफेक्ट द फाइनल इमेज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना तो इस एक फैक्ट के बेसिस पे हम लोग समझेंगे करेक्शन हमने कहा कि अगर डिफेक्ट है तो फाइनल इमेज रेटिना पे न बन के बियॉन्ड द रेटिना बनेगी चलिए पहले उसे देखते हैं ये है बेसिकली रेटिना रेटिना के बाद फिर जो है ऑप्टिक नर्व जो है वो सिग्नल ले जाती है ब्रेन में और अगर ये डिफेक्ट होगा तो इमेज यहां कहीं बनेगी बट अभी इमेज रेटिना पे बन रही है बट वो कैसे बन रही है तो एक तो हमारा ये नेचुरल लेंस है fine, जो इनसाइड आई है दूसरा हमने करेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है फाइन अब जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो नेचुरल uh, आस्पेक्ट uh, है वो क्या होता है प्रॉपर्टी कि ये रेस को जो है कन्वर्ज कर देता है फाइन तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं जो करेक्टिव लेंस है इसकी क्या प्रॉपर्टी है द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज फाइन तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा जो रेज पीछे जा रही थी वो अभी एट रेट ना फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली सुटेबल फोकल लेंथ का लेंस यूज किया जाएगा फाइन सो सुटेबल फोकल लेंथ लेंस कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फाइन तो अगर सुटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाए तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जा सकता है तो हम कहेंगे बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ तो देखिए क्या होगा रेस कन्वर्ज होके रेटिना पे फॉर्म हो गई इमेज को बना रही हैं और नॉर्मल नियर पॉइंट एन यहां पे डिफाइंड है ये वाला पॉइंट और नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई अगर इस लेंस को हटा दें तो नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई देखिए यहां पे आ जाएगा तो यहां से यहां की डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होगी बट अगर इस करेक्टिव लेंस को हटा दिया जाए तो ये नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई है जो कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा फाइन सो दिस वे वी कैन डिफाइन द करेक्शन प्रोसीजर फॉर दिस हाइपर मेट्रोपिक आई होप You understood the solution. Thank you.